तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी एसएसबी एस बी एस्परेंट तो बैक टू बैक आर्मी टीएस की डेट लगी हुई है एनडीए के बच्चे अपीयर हो रहे हैं और नेवी टेक के बच्चे भी जबरदस्त एसएसबी में अपियर होने वाले हैं पहली जितने भी हमारे एस सी सैंट्री के कैंडिडेट्स हैं सी एंट्री के कैंडिडेट्स हैं एफ कैट एंट्री के कैंडिडेट्स हैं सबका लगातार इवन एन सी एंट्री के जितने भी कैंडिडेट्स हैं लगातार आपके एस एस बी डेट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं इस समय एंड फ्रॉम माई साइड और पूरे पूरे मेडिकल सी क्लासेस परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गो एंड गिव द बेस्ट फॉर द एस बट वो कहते हैं बेस्ट देने के लिए सबसे पहला स्टेप बड़ा मायने रखता है एस के दौरान एंड दैट इज ऑल अबाउट योर स्क्रीनिंग टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट में जब बात हम करते हैं तो चीज़ें दो सेगमेंट में बढ़ जाती हैं एक जिसको आप पहचानते हैं ओ के नाम से ऑफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेटिंग टेस्ट के नाम से इन द सेम वे दूसरा आप पहचानते हैं पीपीडीटी के नाम से पीपीडीटी बिल्कुल पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट है जहां आपको एक हेजी पिक्चर स्टोरी राइटिंग नरेशन एंड डिस्कशन की प्रोसेस को डन किया जाता है बट इन सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्या सर ओ का बहुत बड़ा रोल है एस के अंदर तो एग्जैक्टली वो आई का बहुत बड़ा रोल है और इसको बहुत ही सीरियस मोड में आपको समझने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं सत प्रतिशत स्क्रीनिंग होना तो ओ में अपनी परफॉर्मेंस को आपको बेस्ट करना होगा अपने आप को वाई आर रैंक वन कैटेगरी में लाना होगा अगर आप श्योर शॉर्ट एस एस बी में स्क्रीनिंग होना चाहते हैं और फाइनली कॉन्फ्रेंस इन भी होना चाहते हैं दैट मीन रिकमेंड होना चाहते हैं तो चलिए आज इसके ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वाई आर टेस्ट एग्जैक्टली है क्या ये कंडक्ट क्यों किया जाता है टॉपिक कौन कौन से आते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के और साथ ही साथ वाई आर रैंक वन टू थ्री फोर फाइव आखिर होता क्या है सर आखिर कितने क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर दें तो ये रैंक हम होल्ड कर सकते हैं तो सारी टेक्निकलिटीज को डिस्कस करेंगे और तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वाकई में अगर आपका लक्ष्य है एस एस बी को सत प्रसत क्रैक करना तो वेलकम टू एम के सी परिवार बिकॉज द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स इन इंडिया जहाँ पर हमारे साथ अलाहाबाद बोर्ड भोपाल बोर्ड बेंगलोर बोर्ड बनारस बोर्ड हर जगह के ऐसे सर जुड़े हुए हैं और उनका बस एक ही लक्ष्य है किसी भी कीमत पे आपका रिकमेंडेशन और एम से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा आपके लिए बचा कि वन टाइम केवल पेमेंट है और टिल द सिलेक्शन हम आपके साथ हैं दैट मीन एम आने का मतलब ही है कि आपको सियोर शॉर्ट रिकमेंड होना है और वाकई में अगर वो जज्बा है तो वेलकम टू एम तो चलिए शुरू करते हैं ओ टेस्ट की जब बात करते हैं हम लोग तो वट इज वो टेस्ट आखिर ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट है क्या इसको आज हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे एस एस बी के, के दौरान सबसे पहले ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के विषय में जब जाने तो क्लियरिंग द एस एस बी इंटरव्यू इज़ अ बिग टास्क एज यू नो इट्स अव्यूज जर्नी आप डे जीरो टू डे फाइव डे जीरो से लेकर डे फाइव तक की एक बड़ी जर्नी होती है नियरली सिक्सटी परसेंट टू सेवेंटी फाइव परसेंट स्टूडेंट कैन नॉट क्लियर द डे वन और स्पेशली ये उन एंट्रीज की बात हम कर रहे हैं जो कि बेसिकली आपकी यूपीएससी पी एस की इंट्रीज हैं दैट मीन वाई आर रिट इन जिन इंट्रीज़ के लिए आप जा रहे हैं बट अगर वहीं पर हम डायरेक्ट एस की बात करें जो एंट्रीज हैं चाहे वो टी एस एंट्रीज़ की बात करें आर्मी टी एस की नेवी टी एस की या ग्रेजुएट लेवल पर भी हम बात कर सकते हैं एस एस सी टेक की टी जी सी की अन इंट्रीज़ की तो वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है कि स्क्रीनिंग होना ही सबसे बड़ा टास्क है दैट मीन डे वन क्लियर करना ही सबसे बड़ा टास्क हो जाता है जहाँ इन्होंने सिक्सटी टू तो सेवेंटी फाइव परसेंट कहा है वहीं अगर हम टेक्निकल एंट्रीज की बात करें डायरेक्ट एस एस बी की बात करें अप टू नाइनटी परसेंट कैंडिडेट्स बाहर होते हैं केवल टेन परसेंट कैंडिडेटेट्स को मौका मिलता है आगे के प्रोसेस को फेस करने का विच इज कॉल्ड स्क्रीनिंग ऑफ द एस एस बी इट बिकम ऑल द मोर डिफिकल्ट बिकॉज द कैंडिडेट कैन नॉट अंडरस्टैंड विच पोर्सन दे फेल सॉर्ट ऑफ ये बड़ा चैलेंजिंग है एवरी कैंडिडेट शायद एज ए कैंडिडेट हमेशा आपके मन में रहता है कि सर क्या कमी रह गई ऐसा क्या कमी था जिस वजह से मैं रिकमेंड uh, नहीं हो पाया या फिर मैं स्क्रीनिंग नहीं हो पाया तो सबसे पहले स्क्रीनिंग पे ही बात करें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो स्क्रीनिंग हो जाते हैं तो उन्हें नहीं पता होता मैं कैसे हो गया और बहुत सारे कैंडिडेट नहीं होते हैं तो उन्हें भी नहीं पता होता कि आखिर वो क्यों नहीं हुए क्योंकि कोई फीडबैक सिस्टम एस बोर्ड के अंदर नहीं है अब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो स्क्रीनिंग में जो सबसे बड़ा रोल है वो कहीं ना कहीं ओ का रोल है जिसको आपको समझने की बहुत जरूरत है तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ओआईआर टेस्ट फर्स्ट इन द एसएसबी स्क्रीनिंग प्रोसीजर द ओ फुल फॉर्म इज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट इट इज द टेस्ट ऑफ द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड कॉम्पिटेंस ऑफ ए कैंडिडेट मुझे लगता है कि लाइफ में किसी भी चीज को करने के लिए किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में एक बेहतर आईक्यू का होना बिकज़ वो चीज़ नहीं है तो आप आगे के जो टेस्टिंग प्रोसीजर हैं एस के अंदर उनमें आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तो स्क्रीनिंग होने का जो पहला पैरामीटर है वो यहीं से डिसाइड होता है कि ये कैंडिडेट फर्दर जो हमारे टेस्ट हैं उनमें कैपेबल होगा कि नहीं या बेसिकली कह लीजिए कॉम्पिटेंट होगा कि नहीं होगा द ओ आई टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ वर्बल एंड नॉन रीजनिंग ऑफ ए कैंडिडेट बिल्कुल आपका वर्बल और नॉनवर्बल दोनों ही आई क्यू यहाँ पर देखा जाता है और दोनों के माध्यम से आपकी पर्सनैलिटी को ट्रेस्ट किया जाता है what is oia test in the ssb interview the oia test comprises two booklets like you know, one verbal and another is non-verbal कंसिस्टिंग ऑफ अप्रॉक्सिमेटली फोर्टी क्वेश्चन फॉर विच द टाइम अलॉटेड इज ट्वेंटी टू मिनट्स एंड सेवेंटीन मिनट जैसे कि आपको पता है कि अप टू फोर्टी क्वेश्चन कहीं थर्टी भी होंगे थर्टी फाइव भी होंगे फोर्टी क्वेश्चन भी होंगे उसी के अनुपात में आपको समय दिया जाता है सत्रह मिनट से लेकर बाईस मिनट के बीच में किसी भी टाइम्स लॉट पर अब यह नंबर ऑफ क्वेश्चन भी डिपेंड करता है कि आपका हार्ड लेवल का है तो थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है इजी लेवल का है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज्यादा होते हैं

पर्सली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू नीड टू प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस की तो जरूरत है एक्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ एस के दौरान जो वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन बनते हैं एग्जैक्टली exactly है क्या और uh, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं अगर आप उनको स्पेसिफिक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मदद करेगा ऐसा नहीं होगा कि आप बैंकिंग एस एस अदर जो कॉम्पिटी एग्जामिनेशन हैं उसके लेवल्स इसको मैच करने की कोशिश करें दर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द बोर्ड टेस्ट कंडक्टेड इन दिस फेज इन एडिशन टू दिस टेकिंग अ वॉच इज़ नॉट परमिटेड इन साइड द टेस्टिंग एरिया दैट मीन वॉच वगैरह भी लेके आप नहीं जा सकते हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट एग्जैक्टली चीज़ें कुछ डिफाइन तो होती हैं वाई ये बेसिकली टॉपिक को समझ लेते हैं वर्बल में फिगर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है एनोलॉजीज पे क्वेश्चन है फिगर मैट्रिक्स है लोकेटिंग हिडन फिगर हैं ऑड वन आउट है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है पेपर कटिंग है प्रॉब्लम ऑन डाइस प्रॉब्लम ऑन क्यूब्स विजुलाइजिंग पैटर्नस और साथ ही साथ आपका स्पाइटल एबिलिटी तो ये सारी की सारी टॉपिक हैं जो वर्बल के हैं और जो हमारे एम पब्लिकेशन की बुक है स्पेशली जो है आ, एम के सी की एस एस बी की उसमें जो ओ आई आर का हमने कंटेंट दिया दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड परफेक्ट कंटेंट इन इंडिया जिसके ये सारे टॉपिक हम कवर करते हैं और जो उसमें एक्सरसाइजेस क्वेश्चन दें वो अपने आप में बेस्ट हैं तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं नॉन वर्बल टेस्ट की बात करें तो इसमें कॉम्प्लीसन ऑफ सीरीज है ब्लड रिलेशन हैं शॉर्टर एंड टॉलर प्रॉब्लम्स हैं लॉजिकल वेंड्राइग्राम है जम्बल्ड वर्ड्स हैं कोडिंग डी है वन वर्ड सब्चुएशन है प्रॉब्लम ऑन रैंक्स है इंटरचेंजिंग टू साइन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स है एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट तो बेसिकली ये टॉपिक है जो नॉन वर्बल के टॉपिक तो दिस आर द टॉपिक विच इज गोइंग टू कवर इन द वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्टिंग ड्यूरिंग द एस एस बी स्क्रीनिंग प्रोसेस एस एस बी के स्क्रीनिंग प्रोसेस के दौरान यही वर्बल नॉन वर्बल के टॉपिक्स हैं जो आपके कवर होंगे हाँ इनमें एस एस बी और इंटर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको ज्यादा से ज्यादा करना होगा ओ आर टेस्ट रेडिंग परफॉर्मेंस इन आप परफॉर्मेंस करते, हो, जो आप करते हो, वो आपकी को दिखाता है, और जो है, करती है जो आप करते हैं अपने बिलो टेबल फिर आपको रेट किया जाता आप में है तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है अब नाइन्टी अब परसेंट अगर आप करेक्ट हैं तो आप ओ आई आर वन कैटेगरी में आते हैं आउटस्टैंडिंग में आते हैं आप एटी अबब हैं तो आप ओ आई आर टू कैटेगरी में आते हैं एक्सीलेंट कैटेगरी में आते हैं ओ आई आर थ्री आप हैं तो आप सिक्सटी सिक्सटी फाइव से लेकर सेवेंटी के, के आसपास या उससे ऊपर हैं तो आप अबब अब एवरेज कैटेगरी में आते हैं फिर ओ आई आर फोर की बात कर लें तो जब आप सिक्सटी या उससे बिलो कर रहे होते हैं तो एवरेज में आते हैं और फिफ्टी या उससे बिलो आप कर रहे होते हैं परसेंटेज तो आप बिलो एवरेज में आते हैं तो एक्जैक्टली exactly ये बहुत ध्यान रखना है कि इसमें आपका परफॉर्मेंस हमेशा आउटस्टैंडिंग एंड एक्सीलेंट होना चाहिए एंड फॉर दैट यू नीड टू अटेम्प्ट ऑलवेज एटी परसेंट क्वेश्चन आपको अस्सी परसेंट से ज्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा फोर्टी क्वेश्चन हैं ऑब्वियसली आप 40 में 40 अटैप्ट करेंगे क्योंकि कोई नेगेटिव मार्ग ही नहीं है बट उसमें सही आपका 80 परसेंट सेवर होना चाहिए ची, इस चीज़ का आपको अबिसिकली ख्याल रखना है दैट मीन आप मोटा मोटा इसको कैलकुलेट करें 40 क्वेश्चंस हैं तो आपका 35 या उससे अबब ही अटेम्प्ट होगा तो आपका एक पॉजिटिव रिमार्क्स एंड पॉजिटिव फीडबैक आएगा और जो एक्जैक्टली exactly आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा इंपॉर्टेंस आप ओ टेस्ट इन द एस स्क्रीनिंग एंड नॉट ओनली इन द एस स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ तो इंपॉर्टेंस है ही बट आई थिंक टिल द कॉन्फ्रेंस होल जर्नी में कहीं ना कहीं ओ आपका वाइटर रोल प्ले करता है और ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस राउंड भी ये देखा जाता है कि ओ जो है कैटेगरी क्या है इस कैंडिडेट की वन है कि टू है तो दैट आल्सो मैटर लॉट तो ध्यान रखना है कि इसको हमेशा बेस्ट आपको रखना है बिकॉज ये आपके आईक्यू इंटेलिजेंस एंड कॉम्पिटेंस को दर्शाता है द ओ टेस्ट रेटिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्क्रीनिंग प्रोसीजर एज दे आर कैलकुलेटेड अलॉन्ग विथ योर परफॉर्मेंस इन द सब्सिक्वेंट राउंड विच इज़ द पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन ठीक है ये भी टेस्ट इंपॉर्टेंट है इसके भी अपनी वैल्यूज हैं बट ओ आई आर टेस्ट की भी वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट के दौरान अगर आपको स्क्रीनिंग होना है तो द फॉलोइंग आस्पेक्ट आर एलिवेटेड इन द ओ आई आर टेस्ट ये सारे आस्पेक्ट के आधार पर आपको क्या क्या चीज़ें ओ आई आर के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट हैं ये भी समझना जरूरी है जैसे एक एस ड्यूरिंग स्क्रीनिंग अगर इस टेस्ट को कंडक्ट कर रहा है तो उसके भी कुछ एस्पेक्ट हैं कुछ उसके एक्सपेक्टेशन इस टेस्ट के बिहाइंड तो हमें वो जानना है कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन है वाई टेस्ट आर टू वेलवेट अ कैंडिडेट्स फंडामेंटल रीजनिंग स्किल्स ध्यान रखिएगा इसमें कैंडिडेट की जो वैल्युएन हो रही है वो उसके फंडामेंटल रीजनिंग स्किल्स की दैट मीन उसका रीजनिंग क्लियर उसके लाइफ का वाई क्लियर है एंड लॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑन इशूज रैंगिंग फ्रॉम मीडियम टू चैलेंजिंग तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो उसका लॉजिकल

आप डेडिकेट हैं किसी चीज को डन करने के लिए प्रोजेक्ट करने के लिए तो मुझे लगता है कि लॉजिकल लॉजिकल एस्पेक्ट पर्सनालिटी का इसके माध्यम से देखा जाता है सिंस द ओनली नीड रीजनिंग एज वॉच स्टेट अब कैंडिडेट एप्टीट्यूड इन एनी फील्ड इज नॉट टेस्टेड ध्यान रखना कहते हैं कि सिंस द क्वेश्चन ओनली नीड लॉजिकल रीजनिंग जब आपकी बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग फैक्टर आपके क्लियर हो जाते हैं तो मुझे लगता है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि आप में किस लेवल की सेंसिबिलिटी है टुगेदर द वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉम्पोनेट्स क्रिएट अ टू डायमेंशनल जेनुन आईक्यू स्कोर ऑफ द अपलिकेंट फॉर द इंटेलिजेंस स्टेट मुझे लगता है वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही अप्रोच uh, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आपका जो है टू डायमेंशनल मतलब टू डायमेंशनल जेनुइन आई क्यू स्कोर आपका दिखा देता है जो उनको बेसिकली आपके अंदर देखना होता है दो वाई आर टेस्ट क्वेश्चन एक्ूरेटली एलिवेट अ कैंडिडेट्स कैपेसिटी फॉर इफेक्टिव एंड प्रिसाइज परफॉर्मेंस इन वेरियस सर्कमस्टांसिस मुझे लगता है कि ये एक बेस है जिससे पता चलता है कि हर स्थिति परिस्थिति को कैसे सेटल डाउन

ओ आई आर परफॉर्मेंस वगैरह बढ़ा हम यहाँ टेस्ट करते हैं वी गेट दैट और हम तो हर इंडिविजुअल फीडबैक लेते हैं उसका एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं उस चीज़ के विषय में नाउ वी टॉक अबाउट द थिंग्स तो ऑबियसली एस के भी है बोथ ऑप्शन ऑनलाइन भी हमें ऑफलाइन भी हैं तो दोनों ही प्रॉस्पेक्ट है वन ऑफ द बेस्ट टीम जहाँ लेफ्टिनेंट करनल जुनेजर सर हैं हमारे साथ एक्स जी टी बोर्ड से रहे हैं हमारे साथ बिंकमर के पी ठाकुर सर हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप भाटिया है सर हैं जो कि अलाहाबाद बोर्ड से ही रहे हैं पांडे सर हैं जो कि बनास बोर्ड से रहे हैं तो दिस आर बेस्ट टीम आप हमारा लर्निंग ऐप ही डाउनलोड करके नाइन सिक्स नाइन सिक्स डबल थ्री डबल जीरो डबल थ्री पे कॉल कर सकते हैं सबसे सस्ता सबसे अच्छा ऑनलाइन पैकेजेस हैं और ऑफलाइन भी पैकेजेस आपके पास है जो भी चार्जेस है वन टाइम है हम दोबारा चार्ज नहीं लेते ऑनलाइन का भी ऑफलाइन का और टिल द सिलेक्शन आपके साथ रहते हैं तो ऐसा करता हूँ को वायर का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा अगर इसकी वैल्यू आपको रियलाइज़ हो रही तो अभी से इसके प्रैक्टिस में लग जाए जिससे आप अपने स्क्रीनिंग होने के हंड्रेड संभावना को बढ़ा सकें और बिंग एम परिवार अगर आप हमारा हिस्सा बनते हैं तो हम सत प्रसत आपको स्क्रीनिंग राउंड में ले जाएंगे वाई टेस्ट के माध्यम से आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएँ थैंक यू सो मच विशेष गुड लक जय हिंद जय भारत बाकी आप किसी भी तरह की क्वारीज हो तो कॉल करके बैच से भी रिलेटेड नाइन नाइन सिक्स डबल थ्री डबल जीरो डबल थ्री पर कर सकते हैं थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत